रखिए। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों, दुख, तकलीफों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफ़ा पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब और मोहब्बत के लिए ये वजीफ़ा है। इसका तरीका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ आप पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा, इसका पहला वजीफा भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आज जो मैं आपको वजीफा बताऊंगी या मुगनी का एक नायाब वजीफा है। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 340 मरतबा आप या मुगनी का विद करोगे और किसी खुशबू पर या फूल पर आप दम करोगे और जिसको आप तोहफा देना चाहते हो वो तोहफा उस तक पहुंचा दो, तो इंशाल्लाह वो जरूर आपके पास जो दीवाना वार होकर आपके पास आएगा। और अगर आप ऐसा करो कि जिस राह से उसने गुजरना हो, जिस राह से उसने गुजरना हो, ठीक है, वहां पर आप खड़े हो जाओ वो खुशबू लगाकर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जिस को तलब करने के लिए आपने वो खुशबू लगाई है वो उस तक पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह वो जरूर आपके पास हाजिर होगा। हाजिर होकर आपसे माजरत भी करेगा और आपको ना आने की पूरी तफसीर भी बताएगा और बेचैन हो जाएगा। जब तक आप ये अमल बरकरार रखोगे, जब तक आप खुशबू लगाओगे, तो इंशाल्लाह वो आपसे मोहब्बत और चाहत का रवैया इख्तियार करेगा और कभी आपसे फिर दूर जाने का नहीं सोचेगा। ये बहुत नायाब अमल है, आप ये लाजमन कीजिएगा। बहुत बुलंद और बाला अमल है, बहुत नायाब है, आप लाजमन करें तो इंशाल्लाह देखिएगा फिर कैसे आपका खुद दीवाना होता है और कभी भी जो आपसे दूर रहना चाहता था, ये छोड़ के चला गया था, वो कैसे वापस आता है। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको तमाम अमलियात और वज़ाइफ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।